शहर के हाथीपुल थाना क्षेत्र में किरण ज्वेलर्स पर महिलाओं ने अपनी बातों में उलझा कर ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करते हुए 90,000 के सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक ने जब अपना स्टॉक चेक किया तो घटना की जानकारी लगी। घटना की जानकारी लगने पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें महिलाएं सोने के जेवर चुराते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में दुकान मालिक ने हाथीपुल थाने में मामला दर्ज कराया। दुकान मालिक ने बताया कि मंगलवार को करीब 3 बजे दो महिलाओं के साथ एक पुरुष आया और जेवर की खरीदारी करने लगे। कई सारे जेवर एक साथ टेबल पर निकाल दिए, उनमें से कुछ सोने के जेवर पर हाथ साफ कर लेकर चले गए। सर, मेरा नाम ख्याललाल सोनी है, अपने मोती चोटा में किरण ज्वेलर्स नाम से शॉप है। आज की घटना ऐसा हुआ था कि करीबन तीन बजे के आसपास दो लेडीज और एक जेंट्स आए थे, अननोन लोग थे, पता नहीं चला। आके बोला कि झुमके दिखाओ, टॉप दिखाओ, तो बच्चे ने दिखा रहा था, बच्चे और वाइफ दोनों दिखा रहा था। फिर बातों में उलझाए, उन्होंने ये भी दिखाओ, वो दिखाओ, यूँ कर करके बहुत टाइम खराब किया। फिर उन्होंने पुराना सोना भी निकाला, इसका कितना वजन है, किसका कितना आएगा, वो भी इसको बता दिया। उसके बाद बोला कि नहीं, इतना कम नहीं चलेगा मेरे को, इतना आप तो बहुत कम दिखा रहे हो। ताकि उस दरमियान हम लोगों को क्या इस दरमियान हम लोगों को क्या कि उस बोला कि चलो वो चाय तो पिला दो, तो वो चाय बोलने के लिए बच्चा सामने गया, तब तो उसने मौका देके दो जोड़ी झुमकी गायब कर दी, पता नहीं चला। फिर बोला कि नहीं, एक जोड़ी आप अलग रख देना, हम वापस आ रहे हैं, दूसरे घर देख के आते हैं। तो वो जल्दबाजी करके निकल गए बाहर, और जाने के बाद हमने हमारा स्टॉक चेक किया तो उसमें से हमारे दो जोड़ी झुमके कम पाए गए। लेकिन उसकी रिपोर्ट भी हम थाने में दी, उसके फुटेज भी निकाल लिए गए हैं। अब पुलिस पता कर रही है, और हम भी चाहते हैं कि जो भी इस ज्वेलरी काम करते हैं सतर्क रहे, सावधान रहे।